नमस्कार, इस नए वीडियो में आज आपका स्वागत है। यह नया वीडियो आज हेयर फॉल को लेकर है। पुराने समय से हेयर फॉल एक मेडिकल समस्या रही है, लेकिन आजकल के नए समाज में यह हेयर फॉल मेडिकल समस्या के साथ साथ एक सोशल इशू भी बन गया है, क्योंकि जब भी आप कभी अपने समाज में उठते बैठते हैं तो आपके गिरते बालों को लेकर आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और आपको स्पॉट किया जाता है। तो समाज में आपको हीनता का बोध कई बार होता है, तो ऐसी हीनता से बचने के लिए और अपनी हेयर फॉल की समस्या को सुधारने के लिए आज का ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें इस समस्या के ऊपर होम्योपैथिक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। होम्योपैथी किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक पक्ष को भी देखती है। इन सभी पक्षों को देखने के बाद शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, इन सभी पक्षों को देखने के बाद उस व्यक्ति का कुल मूल्यांकन किया जाता है, उसका टोटल इवैल्यूएशन किया जाता है, और उस टोटल इवैल्यूएशन के आधार पे उस व्यक्ति की जो भी तस्वीर बनती है, उस तस्वीर के मुताबिक व्यक्ति की दवाई निर्धारित की जाती है। यह बात भी ध्यान रखने लायक है कि जैसे हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसी तरह से हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है, तो उन्हें किसी एक दवाई के द्वारा ठीक किए जाने की बात में थोड़ा सा अतिरेक झलकता है, थोड़ा सा एक्सेसिव एटीट्यूड झलकता है, क्योंकि होम्योपैथी हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से देखती है, परखती है, तो इसलिए होम्योपैथी में सभी व्यक्तियों को एक ही जैसी दवाई से नहीं इलाज किया जाता, बल्कि उससे निपटने के लिए उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और उनके भावनात्मक अवस्था का कुल मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जाती है कि संभवतः होम्योपैथी का उपचार एलोपेशिया की समस्या के लिए अधिक कारगर होगा, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं के ऊपर निर्भर करता है, उन पर ध्यान देता है। यहां सभी स्थितियों का मूल्यांकन किया जाना तो संभव नहीं है। हाँ, जिन जिन अधिक स्थितियों के कारण या जिन अधिक प्रचलित स्थितियों के कारण व्यक्तियों में हेयर फॉल होता है, उनमें से कुछ एक का जिक्र यहाँ किया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप केवल सांकेतिक रूप से ग्रहण करें और ये जानें कि आप अपने कुल मूल्यांकन के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और विशेषज्ञ आपकी पूरी परिस्थिति को देखते हुए, आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आपके लिए दवाई का उपचार बताएंगे, उस दवाई को आपको लेने से आराम होगा। लेकिन मैं यहाँ कुछ मोटे मोटे सुझाव जो आपको संभव है वो दे रहा हूं, और कुछ एक दवाइयों का इस बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि उन दवाइयों को लेने से किस प्रकार से आपकी एलोपेशिया की समस्या, किस प्रकार से आपकी हेयर फॉल की समस्या, बालों के गिरने की समस्या सुलझाई जा सकती है। जिन दवाइयों के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं, उनमें से पहली दवाई लाइकोपोडियम की दवाई है, और लाइकोपोडियम की दवाई केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनमें लिवर की खराबी होती है। आपका डाइजेशन खराब रहेगा, आपको पसलियों के नीचे दाईं तरफ हल्का सा पेन होगा, दबाने पर आपको असुविधा होगी, और आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पाई जाएगी और आपको यूरिनरी प्रॉब्लम भी होगी। हर दवाई के विषय में एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप इस लिस्ट ऑफ सिम्टम्स को जब भी जरूरी हो, जब भी आवश्यक हो, अपनी आवश्यकता के मुताबिक देखें, अपने पास सहेज कर रखें, और जब आवश्यकता हो इसके साथ मिलान करके अपनी दवाइयों को आप निर्धारित कर सके। तो लाइकोपोडियम के बारे में हम बात कर रहे थे। लाइकोपोडियम के पेशेंट को मन में हमेशा भय लगा रहता है, वो घर में अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन ऐसा अकेला जिसमें घर बिल्कुल निर्जन ना हो, कोई बगल वाले कमरे में बैठा हो तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ ना हो तो इतना वो एकांत चाहता है, थोड़ा सा एकांत, थोड़ा सा दूसरों का साथ। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, जिस व्यक्ति को एलोपेशिया में लाइकोपोडियम दिया जाना है, वो आमतौर से लिखने में गलतियां करता है, स्पेलिंग्स की गलतियां करता है। जब आप किसी व्यक्ति को पहचानेंगे कि इसको कौन सी दवाई दी जानी है, और यदि वे पाएं कि लिखने में स्पेलिंग्स गड़बड़ान तौर से करता है, तो उसको लाइकोपोडियम इंडिकेट होता है। थोड़ा सा खाने से उसका पेट भर जाता है और उसके पेट से डकार निकलती है, लेकिन वो डकार गले तक आकर अटक जाती है, वो पूरी बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस व्यक्ति को आधी अधूरी डकारें आती हैं, सारा दिन ऊँघते रहते हैं।
खाना खाने के एकदम बाद उनको तेज नींद आती है, जहां कहीं बैठेंगे बैठते ही सोने की प्रवृत्ति रहती है। और लाइकोपोडियम के पेशेंट की एक बहुत बड़ी पहचान है कि जब भी वो कोई ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा पानी पीते ही उनका गला खराब हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को ठंडा पानी पीते ही गला खराब होने की शिकायत हो लेकिन उन्हें खाने में मीठा अच्छा लगता हो, ऐसे व्यक्तियों को लाइकोपोडियम दिया जाना चाहिए। लाइकोपोडियम को दिए जाने से उन्हें एलोपेशिया में आराम मिलता है, उनके बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए कि लाइकोपोडियम एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है होम्योपैथी में, और यह बहुत सारी समस्याओं को कवर करती है। उनमें से एक समस्या बालों का गिरना है, तो जब बालों का गिरना अन्य समस्याओं के साथ उपस्थित हो तो वहां लाइकोपोडियम दिया जाना चाहिए। किन किन समस्याओं के साथ हो वो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। अगली दवाई है हमारी सिलिसिया। लाइकोपोडियम के बाद सिलिसिया भी एक उतनी ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि है। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि जिस व्यक्ति को सिलिसिया दी जा सकेगी उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार के अल्कोहल को सहन नहीं किया जा सकता। जब भी वो अल्कोहल लेगा तो उसे कोई ना कोई समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो वह व्यक्ति जो अल्कोहल को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दिखाता है कि उसको सिलिसिया दिया जा सकता है। उस व्यक्ति में हमेशा घबराहट और बेचैनी छाई रहती है, उसकी सभी इंद्रियां जैसे भड़की हुई रहती हैं। इस अवस्था को हाइपर एस्थेसिया की अवस्था कहते हैं। आपकी सारी एस्थेटिक सेंसेस आर इन वेरी एक्सलेटेड स्टेट। तो जब भी आपकी कानों को ज्यादा सुनाई दे, आंखों को रोशनी सहन ना हो, नाक से गंध सहन ना हो, तो ऐसी स्थिति को आप हाइपर एस्थेसिया की स्थिति कहते हैं। और ये जिस व्यक्ति को सिलिसिया दिया जाना है, यानी कि जिस व्यक्ति में हाइपर एस्थेसिया की स्थिति होगी उसे संभावना है कि सिलिसिया दिया जाए, और किन दूसरी परिस्थितियों के साथ सिलिसिया दिया जाए वो मैं बता रहा हूं। सिलिसिया का पेशेंट जब भी ऊपर की ओर देखता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन जब भी वह अपना सिर बांध कर रखता है, सिर को लपेट कर रखता है, तो उसको बड़ा आराम मिलता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि जीभ पर कोई बाल चिपक गया हो। जैसे ही सिलिसिया का पेशेंट लेटता है उसको लेटते ही जोर से खांसी आने लगती है, और इस खांसी के बाद गाढ़ा पीला बलगम आता है। जिस व्यक्ति को सिलिसिया की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति की नींद आमतौर से कम होती है, नींद नहीं आती, और सिर में उसे ऑर्गाज्म ऑफ ब्लड, ऐसा लगता है जैसे दौड़कर खून सिर की तरफ चल रहा है। उसके पैरों में उसे ठंडक महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कि ठंड पैरों के माध्यम से, उसके पिंडलियों के माध्यम से ऊपर चल रही है उसके शरीर में। और जिस शरीर के हिस्से पर वह लेट जाता है वह लेटने वाला हिस्सा धीरे धीरे नंब हो जाता है, धीरे धीरे सो जाता है। बालों के गिरने की समस्या में एक महत्वपूर्ण औषधि थायरोडिनम है। थायरोडिनम आपकी थायराइड ग्लैंड की कमी के कारण जो शरीर में विकार पैदा होते हैं उनमें से एक बालों का गिरना भी है। बाल बड़े रूखे सूखे हो जाते हैं, और उन व्यक्तियों को जिनको थायरोडिनम दिया जा सकेगा, सबसे पहली तो बात है कि उनकी थायराइड ग्लैंड में कुछ को ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। उनको गाइटर हो सकता है, उनको गले की ये यहां से ये हिस्सा गले का उभरा हुआ उनको मिल सकता है। थायरोडिनम के पेशेंट को खून की कमी रहती है, उसको कमजोरी होती है, और उसके शरीर की सभी मसल्स, सभी मांसपेशियां बहुत कमजोरी का अनुभव करती रहती हैं। उसे पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, सरदर्द रहता है, और उसको घबराहट भी रहती है। इस पेशेंट को हाथों पैरों में सुन्नपना छाया रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसको पैरालिसिस हो गया। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है अनेक बार उन्हें कहा जाता है कि आप काम कीजिए, लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। देखने से बाहर हष्ट-पुष्ट लगते हैं लेकिन भीतर से उनमें काम करने की ताकत नहीं होती। तो जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाए जाए उन व्यक्तियों को थायरोडिनम देना है। थायरोडिनम के पेशेंट के शरीर पर जगह जगह सोराइसिस, दाद जैसी समस्याएं देखने में आती हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि आपको सोराइसिस है, आपकी नब्ज बहुत तेज चलती है। जितने भी थायरोडिनम के पेशेंट होंगे उन सभी की नब्ज बहुत तेज चलेगी। तो जब कभी आप देखें किसी व्यक्ति की, और खासतौर से महिलाओं की, जब महिलाओं की नब्ज बहुत तेज चलती है और बाल गिर रहे हों, तो आप सबसे पहला ध्यान
उनके ऊपर थायरॉयडियम दवाई का दें और उनकी थायरॉयड ग्रंथि की जांच कराएं। उनमें बहुत मोटापा होने के लक्षण रहते हैं और उन्हें पेशाब बहुत आता है, वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा करते हैं। अच्छा, थायरॉयडियम के पेशेंट को बहुत अधिक ठंड भी लगती है, वो बहुत अधिक खाना भी खाता है, उसको जो भी दिल करे जब भी देखें तो उसका खाना खाने को दिल करता रहता है। तो ये सब लक्षण जब एक साथ किसी व्यक्ति के शरीर में हो और उसको बाल गिरने की दवाई देनी हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको थायरॉयडियम देते हैं और थायरॉयडियम देने से उसके बाल गिरना रुक जाते हैं। एलोपेशिया में एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई उस्टिलागो होती है। उस्टिलागो के पेशेंट को बहुत अधिक डिप्रेशन छाया रहता है, उसका मन हमेशा डूबा रहता है, जैसे कि वो गहरे विषाद में डूब गया हो, अवसाद उसको छाया रहता है। उसकी आंखों की पुतलियों में दर्द होता है, आंखों की पुतलियों का आजकल आपको याद होगा कि डेंगू के मरीजों में भी आंखों की पुतलियों का दर्द होता है, लगभग वैसा ही दर्द यदि किसी बाल गिरने वाले पेशेंट के भी हो तो समझिएगा कि उसे उस्टिलागो दवाई दी जानी है। तो उस्टिलागो दवाई जिस पेशेंट को दी जानी है उसकी आंखों में दर्द पाया जाएगा, आंखों की पुतलियों से और आंखों के भीतर से पानी बहेगा। उस्टिलागो दवाई के पेशेंट को कमर में खोलते पानी जैसा अनुभव होगा, उसे लगेगा जैसे कमर में पानी खोल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसा अनुभव उसको अपनी कमर के भीतर होगा और उसकी स्किन पर गहरे स्पॉट्स पाए जाएंगे। ये स्पॉट्स आमतौर से कॉपर कलर के होंगे, भूरे रंग के होंगे। पसीना बहुत आता होगा, सिर में उसके सिर पर पपड़ी सी जमी होगी, जैसे नवजात शिशु के सिर पर पपड़ी जमी होती है जिसको क्रस्टा लैक्टिया कहते हैं, वैसी पपड़ी उन व्यक्तियों के सिर पर जमी रहती है। तो जब ऐसी पपड़ी पाई जाए तो समझिएगा कि उस पेशेंट को उस्टिलागो दवाई देनी है। और दूसरा, इन व्यक्तियों के बारे में देखने में आता है कि इनके जो स्वप्न होते हैं बहुत रमणीय होते हैं, ए सॉर्ट ऑफ लेसिवियस ड्रीम्स और एमोरस ड्रीम्स दे हैव इन देयर स्लीप, और उस्टिलागो पेशेंट को हमेशा बहुत गर्मी लगती है। तो इन सब स्थितियों में उस्टिलागो दवाई दी जानी है। हेयर फॉल के केस में एक बड़ी महत्वपूर्ण दवाई थैलियम मेटालिकम होती है। थैलियम जो एक हैवी मेटल है, उस थैलियम मेटालिकम से जो दवाई होम्योपैथी में बनाई गई है वह भी हेयर फॉल के पेशेंट्स को दी जाती है। और जिस पेशेंट को थैलियम मेटालिकम दवाई दी जाएगी उसको बहुत तेज भयंकर दर्द होगा, उसके अंगों में फड़कन जैसी नजर आएगी और उसकी मांसपेशियों में कहीं ना कहीं एक एट्रॉफी पाई जाएगी, मांसपेशियों में एक स्थायी प्रकार का विकार होगा, मांसपेशियां बढ़ गई होंगी, घट गई होंगी, विकृत हो गई होंगी, ऐसा विकार उसके शरीर में पाया जाएगा। शरीर के निचले हिस्से में जहां पैरों में उसे पैरालिसिस जैसी शिकायत रहेगी, या उसका शरीर इतना कमजोर होगा जितना कि एक पैरालिसिस वाले व्यक्ति का होता है, वो अपने पैरों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लोकोमीटर अटैक्सिया उसको रहेगा, पैरों से सही ढंग से चल नहीं पाएगा, चलने में लड़खड़ाहट होगी। उस व्यक्ति को जो थैलियम मेटालिकम का पेशेंट होगा उस व्यक्ति को बहुत गर्मी लगेगी, बहुत प्यास लगेगी और वो बहुत मीठा खाना चाहेगा, मीठे का बहुत शौकीन होगा, कुछ भी उसको मिले लेकिन मीठा नहीं छोड़ेगा। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसे लक्षण भी इस व्यक्ति को देखने मिलते हैं, क्योंकि हर जगह तो उसको एक पैरालिटिक वीकनेस रहती है, तो इस व्यक्ति में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण भी मिलते हैं। उसके पेट में और उसके पेड़ू में, यानी कि एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में उसको बिजली के झटके जैसे तेज दर्द महसूस होते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण इस व्यक्ति का होता है जिसको थैलियम मेटालिकम दिया जाना है, कि उसके मन में एक ऐसी भावना रहती है जैसे कि उसका एक वैभवशाली अतीत कहीं गुम हो गया हो, जैसे कि किसी राजा का राजकाज लुट गया हो, ऐसी भावना उस व्यक्ति के मन में रहती है, तो उस व्यक्ति को थैलियम मेटालिकम दिया जाना होता है। थैलियम मेटालिकम देने से उस व्यक्ति के बाल गिरना रुक जाएंगे और उसे बहुत लाभ होगा। फ्लोरिकम एसिडम, फ्लोरीन जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्के सब्सटेंसेस में से एक होता है, जितने हैलोजन से उनमें से सबसे हल्का हैलोजन होता है। इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन तत्व से जो फ्लोरिकम एसिडम बनता है वह भी हेयर फॉल की समस्या में एक बहुत कारगर दवाई है, लेकिन इस व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी मानसिक स्थिति होती है। इस मानसिक स्थिति में इस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत अंतरंग संबंधों में इसके साथ गहरी बेवफाई की हो,
यह व्यक्ति उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती। इसके जो बहुत अपने होते हैं, इसके मन में गहरी भावना होती है जैसे कि उन्होंने इसके साथ गहरी बेवफाई कर दी है, तो इसके मानसिक लक्षण पर हमेशा ध्यान दिया जाना है। और जो व्यक्ति फ्लोरिकम एसिडम का पेशेंट होगा उसके बालों के साथ साथ दांतों में भी समस्या पाई जाएगी और उसके दांत समय से पहले गिर चुके होंगे, बाल गिरेंगे, दांत गिरेंगे और पुरानी शराब पीने की लत रही होगी। जिस व्यक्ति को एसिडम फ्लोरिकम दिया जाना है उसके तीसरे नेत्र की स्थिति पर, यहां माथे के बीच में इस स्थान पर, उसे भारीपन महसूस होगा और उसमें आमतौर से सूजन या उठाव जैसी एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहां जब आपको भारीपन मिले, यहां जब आपको फुलाव मिले, यहां जब सूजन मिले, तो समझिएगा कि इस व्यक्ति को फ्लोरिकम एसिडम की शायद जरूरत है। फ्लोरिकम एसिडम के पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों से लगती हुई, उसकी आंखों से एक ठंडी हवा धीरे 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 पास कर रही है, तो उसकी आंखों में ठंडी हवा का एहसास लगातार होता रहता है। उसके शरीर में और खासतौर से उसकी पिंडलियों में नसों के गुच्छे, जिसको हम वेरिकोज वीन्स कहते हैं, वो वेरिकोज वीन्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। जिस पेशेंट को फ्लोरिकम एसिडम दिया जाने वाला है उस पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है। दूसरी पहचान है कि फ्लोरिकम एसिडम के पेशेंट के नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यही सिलिसिया में भी बढ़ने वाला था। सिलिसिया के नाखून तिरछे बढ़ते हैं लेकिन फ्लोरिकम एसिडम के नाखून सीधे बढ़ते हैं। दोनों दवाइयों में नाखून बहुत तेज बढ़ते हैं लेकिन सिलिसिया वाले पेशेंट को नाखून आड़े तिरछे होकर बढ़ते हैं, बल्कि वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, इनग्रोन नेल्स उसके होते हैं, और फ्लोरिकम एसिडम के सीधे नेल्स होते हैं। हेयर फॉल के संबंध में अगली दवाई नेट्रम्यूरेटिकम है। नेट्रम्यूरेटिकम साधारण नमक से बनाई जाने वाली दवाई है। साधारण नमक जो आपकी भोजन की एक नियमित आवश्यकता है। जब आप किन्हीं कारणों से बहुत अधिक नमक बहुत लंबे समय तक खाते रहे तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी नेट्रम्यूरेटिकम से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम आपको अधिक ब्लड प्रेशर रहना और दूसरी प्रॉब्लम आपकी हेयर फॉल शुरू हो जाना है। तो जिस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक नमक खाया हो उसे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है और उस व्यक्ति को उसकी अवस्था ठीक करने के लिए नेट्रम्यूरेटिकम की डोज दी जाती है। उस व्यक्ति की पहचान यह है कि सुबह उठते हुए समय उसे, जिस समय वो अपने बिस्तर से उठेगा तो उसको कमजोरी महसूस होती है। नेट्रम्यूरेटिकम के पेशेंट के एलिमेंट्री के नाल में, उसकी आहार नाल में और उसकी स्किन में हमेशा खुश्की ही खुश्की छाई रहती है। तो खुश्की नेट्रम्यूरेटिकम पेशेंट का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसके अंदर वाली स्किन पे, उसकी बाहर वाली स्किन पे, उसकी जीभ पर, उसके मुंह में, हर जगह उसको खुश्की छाई रहती है और वो लगातार पानी पीता रहता है, ठंडा पानी, ढेर सारा पानी और अधिक नमक की चाह। नेट्रम्यूरेटिकम के पेशेंट को भयंकर सिर दर्द होता है, ब्लाइंडिंग हेडेक होता है, आंखें मिच जाती हैं, सिर फूट जाता है और उसको कुछ भी नहीं सूझता। और खास तौर से स्कूल जाने वाले बच्चों को, स्कूल गर्ल्स को जो प्यूबर्टी की एज में होती हैं, जब उन्हें सिर में दर्द होता है तो अधिकांश केसेस में उनकी स्थितियां नेट्रम्यूरेटिकम की ओर इंडिकेट करती हैं। जब नेट्रम्यूरेटिकम का पेशेंट नीचे की तरफ देखता है तो उसको नीचे देखने से आंखों में दर्द महसूस होता है। नेट्रम्यूरेटिकम के पेशेंट के होठों पर ऊपर और नीचे छोटे छोटे सफेद और चमकीले दाने से निकलते रहते हैं, जो हर्पेटिक इरप्शन होती हैं, हर्पीस जैसे दाने निकलते हैं। उसकी कमर में हमेशा दर्द रहता है और वो दर्द ऐसा होता है कि उसे किसी ठोस सहारे की जरूरत होती है। नेट्रम्यूरेटिकम के पेशेंट के दो लक्षण हो रहे हैं। एक तो उसे सुबह 10 बजे के आसपास भारी कमजोरी महसूस होती है, लेटने को दिल करता है या कोई भी अन्य सुविधा हो सकती है, लेकिन सुबह 10 बजे उसका एक बहुत निश्चित समय होता है। 10 बजे यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो समझिएगा कि इस व्यक्ति को नेट्रम्यूरेटिकम दिए जाने की जरूरत है। और दूसरा ये कि उसके जो माथे के एरिया होता है, उसकी बालों से संबंधित जो स्किन होती है, वह सारी की सारी स्किन बहुत ग्रीजी हो जाती है, बहुत ऑयली हो जाती है, हाथ लगाओ तो चिपचिप करती है।
तो जब आपकी स्किन, खासतौर से बालों के नजदीक वाले हिस्से की स्किन जब बहुत ऑयली हो गई हो, तो समझिएगा कि अब इस व्यक्ति को नटरम निरेटिकम दिया जाना है। आज की इस चर्चा में हमने कुछ सामान्य परिस्थितियों का जिक्र किया है, लेकिन आप अनेक हैं, व्यक्ति अनेक होते हैं, संभावनाएं भी अनेक होती हैं, दवाइयां भी अनेक होती हैं, तो किस व्यक्ति को क्या दवाई दी जानी है ये उसके पूरे परीक्षण के बाद ही तय हो पाएगा। इसलिए आप हमेशा एक विशेषज्ञ के पास जाएं, उनको अपनी पूरी बातें बताएं और उनसे दवाई का निर्धारण करवाएं। यहां मैंने आज जिन दवाइयों के बारे में बात की है वो दवाइयां हैं जो अधिकांश लोगों में विकार पैदा करती हैं। अधिकांश लोगों के भीतर जो विकार पैदा होते हैं वो इन दवाइयों के द्वारा आमतौर से ठीक किए जाते हैं। अगर हमारे पास हेयर फॉल के 100 केसेस आते हैं तो उसमें से लगभग 60 केसेस ऐसे होते हैं जो इन दवाइयों के द्वारा, जिनके बारे में आज मैंने जिक्र किया है, इन दवाइयों के द्वारा उपचार से ठीक हो जाते हैं। अगले विषयों पर अन्य वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे, और जब तक के लिए हम हाजिर हों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप नवीनतम वीडियोस को देख पाएं, आपको सूचना मिलती रहे। जब तक दोबारा हाजिर हूं तब तक के लिए नमस्कार।